अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फोर्थ ईयर के लिए लेक्चर है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये कहता है 1926 में श्रोडिंगर ने एक आइडिया यूज़ किया कि पार्टिकल वेव का आइडिया यूज़ किया एंड डिवेलप एंड एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेव इन द फॉर्म ऑफ जनरल वेव इक्वेशन। और उसने डी ब्रॉगली वेव को मद्देनज़र रखते हुए जनरल वेव इक्वेशन की शक्ल में एक इक्वेशन ड्राइव की। तो कहता है कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम, फ़र्ज़ कर लें एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, मूविंग विद वेलोसिटी वी इन स्पेस, और वो वी वेलोसिटी के साथ स्पेस में मूव कर रहे हैं। सपोज अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ पार्टिकल। कि फ़र्ज़ कर लें एक स्टेशनरी वेव एसोसिएटेड है एक पार्टिकल के साथ किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पेस में, किसी पार्टिकल की हमसायगी में या मौजूदगी में। तो इसके लिए वेव इक्वेशन आ जाएगी साई बराबर साई नॉट साइन टू पाई न्यू टी, इसमें ओमेगा टू पाई न्यू या टू पाई एफ के बराबर है जिसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, साई नॉट एम्पलीट्यूड है और न्यू इसमें फ्रीक्वेंसी है। इक्वेशन वन का डेरिवेटिव ले लें पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी बराबर आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी साई नॉट साइन टू पाई न्यू टी। साई नॉट इसमें कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस और एंगल का डेरिवेटिव टू पाई न्यू टी का टू पाई न्यू हो गया, तो इसका डेरिवेटिव आया साइन नॉट टू पाई न्यू कॉस ऑफ टू पाई न्यू टी। इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लें पार्शियल ओवर पार्शियल टी पार्शियल साई इन टू पार्शियल टी बराबर आ जाएगा साई नॉट टू पाई न्यू पार्शियल ओवर पार्शियल टी कॉस टू पाई न्यू टी का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव अब माइनस साइन आ जाएगा माइनस साइन टू पाई न्यू टी, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव आ गया टू पाई न्यू। इसको आगे हल करें तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा पार्शियल साई और पार्शियल टी, ये डबल डेरिवेटिव बराबर हो गया माइनस फोर पाई स्क्वायर और न्यू स्क्वायर साइन और साइन ऑफ टू पाई न्यू टी। अच्छा, ये कहते हैं यूजिंग वन साई बराबर साइन और टू पाई न्यू टी इन अबव रिलेशन विल बिकम, तो ये अगर आप इसकी कीमत दर्ज कर दें इतनी साई नॉट साइन टू पाई न्यू टी, ये सिंपल साई आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर टू डिवेलप हो गई। पार्शियल साई और पार्शियल टी बराबर हो गया माइनस फोर पाई साई पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और साई। सिंस इन जनरल वेव इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल टी स्क्वायर बराबर होता है डेल स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई के, तो इसको कंपेयर कर लें इक्वेशन टू और थ्री को, दोनों में एक ही वैल्यू आई डबल डेरिवेटिव ऑफ साई इक्वेशन टू में भी और थ्री में भी, तो ये हो गया डेल स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई बराबर है माइनस फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई के। ये इक्वेशन फोर दे दिया इसको जी, और वी बराबर होता है न्यू लैम्डा, न्यू बराबर होता है वी ओवर लैम्डा, न्यू स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, ये इसमें आप दर्ज कर दें तो इक्वेशन फोर आपकी आ जाएगी। इक्वेशन फोर आ गई आपकी डेल स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई बराबर माइनस फोर पाई स्क्वायर, ज़रबे वैल्यू दर्ज हो गई न्यू स्क्वायर की वी स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर और ज़रबे साई। तो इसमें डेल स्क्वायर साई बराबर आ गया माइनस फोर पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर ज़रबे साई, वी स्क्वायर दोनों तरफ आता है तो ये कट गया, ये क्वेश्चन नंबर फाइव होगी। इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ से लैम्डा बराबर होता है एच ओवर एम वी, लैम्डा स्क्वायर हो गया स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी, ये इसमें दर्ज कर दें क्वेश्चन फाइव में, तो डेल स्क्वायर साई बराबर हो गया माइनस फोर पाई स्क्वायर साई, ये पहले ही है लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर बटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर के।
अच्छा, इसको मुख्सर करें तो ये क्वेश्चन 6 बन गई। डेल स्केयर साई बराबर हो गया -4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर ओवर एच स्केयर और ज़रबे साई। अब ये कहता है वही नाउ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज़ द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी बराबर होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 एम वी स्केयर और पोटेंशियल एनर्जी की कैपिटल वी। तो 1/2 एम वी स्केयर बराबर आ गया ई माइनस वी के। ये वी की साइड बदली हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा जी, ये आ जाएगा एम स्केयर वी स्केयर बराबर हो गया 2m इंटू ई माइनस वी। ये इक्वेशन नंबर 7 बन गई। अब यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 6, इनको अगर आप 7 और 6 को इस्तेमाल करें या वैल्यू दर्ज कर दें एम स्केयर वी स्केयर की, तो ये डेल स्केयर साई स्केयर बराबर हो गया -4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर की बजाय 2m ई माइनस वी बटा एच स्केयर और ज़रबे साई। तो इसको 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 हो गया। डेल स्केयर साई बराबर -8 पाई स्केयर एम ई माइनस वी बटा एच स्केयर और ज़रबे साई। तो ये इसकी साइड बदल ली, राइट साइड को लेफ़्ट पे ले गया। ये माइनस जो है जाके प्लस हो जाएगा। डेल स्केयर साई जमा 8 पाई स्केयर एम ई माइनस वी बटा एच कट स्केयर या एच स्केयर और एन टू साई बराबर 0। ये कहता है ये जो है श्रोडिंगर फंडामेंटल वेव इक्वेशन है और ये टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है।